बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बना रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। इसके लिए मैंने चावल लिया है 1 किलो, चिकन भी मैंने 1 किलो ही लिया है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट लिए हैं, 3 छोटे टमाटर हैं मेरे पास, हरी मिर्च है और चंद जवे लहसुन के, और 1 छोटा प्याज ये मैंने यखनी के लिए लिया है, और पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जी। सबसे पहले मैं यखनी तैयार करूंगी, इसके लिए मैंने 3 ग्लास इसमें पानी डाल लिया बर्तन में। अब मैं चिकन इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाह, एक चम्मच डाल दूंगी मैं इसमें नमक, 1 छोटा प्याज साबुत मैंने डाल दिया है, और चंद चबे लहसुन के वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, और साबुत गरम मसाला वो भी मैं इसमें डाल दूंगी जी। अब मैं इसे चूल्हे पे रख दूंगी पकने के जी। अब पुलाव बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं डालूंगी 1 कप ऑयल, 1 प्याज। इसको करते हैं ब्राउन। जी प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अब मैं यहाँ डालूंगी साबुत गरम मसाला। इसमें काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी सब इसमें शामिल है, जीरा, सफेद जीरा। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। जी अब मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च कटी हुई बारी और टमाटर। हमारा ये मसाला हमारा हो चुका है तैयार। अब मैं चिकन इसमें डालूंगी जो मैंने बॉयल किया था, वो इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह, नमक मैंने पहले यखनी में भी डाला था, अब भी मैं जो शायद चावल के हिसाब से डालूंगी, तकरीबन 2 चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें, और पिसा हुआ गरम मसाला ये भी 1 चम्मच भर के। प्याज भी जो मैंने डाला था चिकन में यखनी के साथ, वो भी इसमें आगे शामिल हो गया, तो इससे भी मैं अच्छे से पीस देती हूँ। पांच से 10 मिनट इसे भूनने के बाद मैं इसमें
पानी डालूंगी और यकीन थोड़ी सी जो है मेरे पास बची हुई वो डालूंगी। चुका है हमारा, अब मैं इसमें डालूंगी यकीन। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। चावल मैंने डाल दिए, इसमें और अब मैं इसे ढाँप कर पकने दूंगी। जी चावल का पानी हो चुका है खुश्क, नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसमें एक चम्मच और डालती हूँ और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैं अब दम पे लगा दूंगी। जी चावल का दम आ चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलर भी बहुत ही खूबसूरत है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जी यखनी चिकन पुलाव रेडी है बिल्कुल, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।